डर लग रहा है। वायरल गर्ल हीरोइन बने खातिर यहाँ बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज शब्द भी आवेला। बतावा काट दे दिल वाले गई ले राजा बोतल में भर के, तो बोतल में भर के दिल के हो जाला। मेरी पैदाइश हुई है भूटान में। ये लाइन में जे आवेला ओकरा के एगो बड़ी अलग शब्द से नवाजल जाला, नचनिया बजनिया। एगो हीरोइन एगो हीरोइन के रास्ता काटे ले फिल्म में, या काम काटे ले, या शिकायत करे ले, सफल होके खातिर चाटुकार साथी जरूरी बा कि अच्छा दिशा दिखावे ला। कैसन लड़का से शादी करे के चाहिए? फिल्म गिरिजी के बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बी आई बी विजेंदर सिंह, और आज सीधी बात नो बकवास में हमारा संग बानी अभी के पहले ही डर लग रहा है। वायरल गर्ल और कलाकार और बहुत सुंदर हीरोइन, और जिकर गाना आवते एज ए हीरोइन एल्बम के गाना आवते 265 मिलियन 250 मिलियन ई गायक लोग के सौभाग्य होत रहला। आर एगो हीरोइन रौरा एगो बताई, सबसे पहले हमनी के तो बाद में इंटरव्यू शुरू करम सन, पहल का एगो सवाल ही रही कि रौरा एगो गाना बाबे बड़ी वायरल भइल जो ना, बड़ी रील बनल ऊपर, दिल वाले गई ले राजा बोतल में भर के, तो बोतल में भर के दिल के हो जाला। अरे ले गए हैं, कैसे भी ले जाने दो भाई। आज ले तो हमने के यूपी बिहार वाला जान तो नेशन की, जब बोतल मारला के बाद दिल आवे लाती, बोतल में भर के के हो जाला। पियत पियत दिलवा बोतलवा में भरा गई। गई गई। नीलम गिरी जी हैं कौन और कहां से हैं? मैं हूँ सर, मैं बलिया जिला से, और मेरी पैदाइश हुई है भूटान में। भूटान? यानी आप विदेशी हैं? अरे यार, विदेशी मतलब मैं पैदा वहाँ हुई हूँ। भूटान कैसे हम ना समझ में आई? भूटान है ना छोटा देश है ना, तो रौरा भूटान कैसे गए? मेरे पापा वहाँ पे काम करते थे। अच्छा, पापा का हार्डवेयर का काम था, और वहाँ पे वो लोग फिर वहीं बस गए। उसके बाद मैं हुई वहाँ पे, पढ़ाई लिखाई हुआ, लेकिन हम लोग बेसिकली है यूपी से। यूपी में कहाँ से? बलिया से। बलिया से जा, बलिया घर बात कोना बात के डर हुआ तब का। जब रौरा कितना भाई बहन बनी परिवार के? चार भाई बहन। सबसे छोटा है कि सबसे बड़ा? नहीं, मैं बीच की हूँ। बीच की? मेरे से बड़ी दीदी है, फिर मैं हूँ, फिर दो भाई। ये सामने के भोजपुरी इंडस्ट्री कहल जाला, चाहे फिल्म लाइन के ही कहल जाला, कि ये लाइन में आदमी जे आवेला पढ़ल लिखल ना होला, ये लाइन में जे आवेला ओकरा के एगो बड़ी अलग शब्द से नवाजल जाला, नचनिया बजनिया हो गई, हमारा परिवार में ऐसा चीज ना रहे हो गई, का हो गई, तो इस शब्द से रौरा लागल कि फलाना के बेटी देखो पढ़ लिख के कुछ करी, ये कहाँ चल गई? ऐसा कुछ गांव में कभी लागल कि ऐसे लोग कहता है? अगर कहता तो रौरा कैसन फील हुई? शुरू शुरू में तो लोग बोलते ही है ना, लोगों का तो काम है कहना। शुरू शुरू में सब बोलते थे, पता है नहीं क्या कर रही है, नाच रही है, गा रही है, क्या फलाना, कितना नीमन नाम रला है, क्या कर रहा है। जैसे घर वाले को भी बहुत बाहरी लोग डाइवर्ट करते थे कि क्या जरूरत है, ये सब बताइए, लड़की है ये। फिर वही लोग बाद में, पहले तो विरोध किए उस चीज का, ओकरा बाद गाना हिट हो गया, नाम हो गया, खुद वो लोग बोलते हैं कि अरे सेल्फी दीजिए, सेल्फी दीजिए, फिर कल गामर चाचा का लड़के, ये हमारा मामा के फूफा के, कहा कहा कहा, तो फिर वो लोग मतलब अभी अप्रिशिएट। आप कैसा फील हो रहा है? हां, बहुत मजा आता है, तो बहुत स्टाइल मारते रहते हैं हम भी घूम घूम के। भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइन बने खातिर लोग कहला कि हीरोइन बने खातिर कम कपड़ा पहने के पड़ी, हीरोइन बने खातिर यहाँ बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज शब्द भी आवेला, बहुत सारा अलग अलग शब्द आवेला, लेकिन रौरा जब एमे ऐनी इंडस्ट्री में, तो रौरा एगो फिल्म कहनी अवधीश मिश्रा भी है, बाबुल, तो रौरा इतना टिपिकल, इतना इमोशनल फिल्म करे में डर ना लगल कि ऐसा करे जतनी आगे चल के हमार उ वाला छवि ना बन पाई, काहे करतनी? नहीं, उसमें डर तो लगता ही था, लेकिन डर इसलिए लगता था कि मैं उस कैरेक्टर पे उतर पाऊंगी या नहीं, डर उस बात की थी, लेकिन सेम टाइम बहुत कॉन्फिडेंट भी फील होता था कि चलो, क्या होता है ना, हम आर्टिस्ट सब वेट करते हैं कि हमें इस टाइप का रोल मिले जहाँ पे अपना कला दिखाए, जहाँ पे लुक टिपिकल रहे,
तो आर्टिस्टिक मूवी हम लोग हमेशा ढूंढते हैं, जब जो कि आजकल के लोग उतना ना, नहीं उतना देखते हैं, नहीं उतना हो नहीं रहा है। लाइक करते हैं, बट एज एन आर्टिस्ट मैं हमेशा चाहती हूँ कि मुझे उसी टाइप के रोल मिले, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि उस देखिए एल्बम में कुछ और फेस है और उसमें कुछ और है, तो अच्छा ही लगता है। और डर तो लगता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि अध्यय सर बहुत स्ट्रिक्ट थे उस मामले में, तो फोन नहीं चलाने देते थे एकदम भी, एकदम फोन से चिढ़ जाते थे, तो वो सारी चीज़ें वाइंड अप होकर कुछ अच्छा ही हुआ। रौरा, भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन हीरोइन से अनसेफ महसूस करेंगे? हाय ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं लोग कहला कि हीरोइन आ गई, अब तो अब का हुई, अब सारा बोल प्रोजेक्ट ही करतरी। नहीं, सब अपने नसीब अपने मेहनत से आते हैं, और सबके जो जो तकदीर में जो जो लिखाया है वही होगा। हमारे कुड़ने से जलने से और कुछ करने से कुछ नहीं होगा, उनको उनको जो लिखा है वो उनको वही मिलेगा, और सब अपने अपने मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। का रोरा लागे लाई बात कि एगो हीरोइन के रास्ता काटे ले फिल्म में, या काम काटे ले, या शिकायत करे ले? देखिए आर्टिस्ट एक दूसरे में कभी ऐसा नहीं सोचते, लेकिन जो बिचौला होते हैं ना, सब बिचवनिया बिचवनिया जिसको कहते हैं, वो सब बहुत काटा कुटी करते हैं, भड़कावेला भड़काते हैं, काटते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो एक दूसरे में बहुत प्रेम भाव से सर। रहते इहो तो हैं। बात बा कि भोजपुरी में बिना बिचौलिया के कलाकार बनिए नहीं के सकत आदमी, बिना बिचौलिया के कलाकार कोनो बाते अपन नहीं रख सकत। कहे तो कलाकारों के अच्छा लगेला कि हमारा संगे कुछ लोग रहो, चाटुकारिता करे। तो का नीलम गिरी जी के ना लगेला कि हमारा संगे दो चार आदमी रहो, या चाटुकारिता हमारे करे, जी जी करे? जी, रौरा हाँ लगता है, लेकिन सही लोग होना बहुत जरूरी है, वो तो हमें ही चूज करना है कि कौन हमारे पक्ष पे है या कौन फालतू बात करता है। सफल होके खातिर चाटुकार साथी जरूरी बा कि अच्छा दिशा दिखावे वाला साथी जरूरी अच्छा बा? दिशा दिखावे वाला आदमी, नहीं, भोजपुरी में कबा चपलोसी रबरे इतना खुलियाम कहत नहीं, अगर आगे दिक्कत हुई तब करो। डर नहीं लगत कि भोजपुरी इंडस्ट्री में? बतवा काट दे लेकिन हम तो बोल देनी ये तो जा लेकिन नहीं, हमार हनु सीधी बात न बकवास। यहाँ तो जौन बोलने बाबा नहीं डर क्लियर लगता करे। क्या, देखिए अब चपलोसी बोल दिए, बहुत लोग चपलोसी करता ही है, नाम नहीं देंगे अब, उतना मत खुलवाइए उतना खुलवाने की आवश्यकता नहीं नीलम गिरी जी है के एल्बम के गाना करे में अच्छा लगेला कि फिल्म करे में? हमको एल्बम देखिए तो हम बहुत मजा आता है एल्बम करने में, डांस वांस, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनना, थोड़ा रील झाड़ू, हाँ बनाना, रील स्टाइल बनाना, ये सब कर। मारना। और जैसे पिक्चर आता फिर मैं सीरियस हो जाती हूँ। अभी आप जो निरहुआ एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं, निरहुआ एंटरटेनमेंट के कहा जाला कि बहुत अच्छा फिल्म बनावे में नाम बा परवेश बहुत लाल जी के, दिनेश लाल जी के, तो वो लोग जो भी बनावेला थोड़ा ही बनावे लेकिन अच्छा बनावेला मार्केट में देला। हाँ ओकरा पहले रौरा रत्नाकर जी के भी है यहाँ काम कैले बनी, और भी बहुत सारा प्रोडक्शन में रौरा काम कैले बनी। रोरा इंडस्ट्री में केकरा संगे काम करके सबसे अच्छा लगा? यहीं पे, निर्भय हाँ एंटरटेनमेंट। यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल, बहुत यहाँ पे ये लोग बहुत रेस्पेक्ट देते हैं चीज़ों को, समझते हैं, और बाकी भी जगह देते हैं ऐसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितना मिला है, आपने बोला कि सबसे ज़्यादा कहाँ, सबसे तो ज्यादा सबसे ज़्यादा यहीं पे। तो हम आर्टिस्ट बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, और उन्हें पता है कि किस आदमी से क्या रोल करवाना है एग्जैक्टली और क्या नहीं करवाना है, तो उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, और वो लोग बहुत सपोर्ट भी करते हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ यहाँ पे। आवे वाला प्रोजेक्ट का कब है नीलम गिरी जी के? आने वाली भी प्रोजेक्ट निरहुआ एंटरटेनमेंट से है, इसके अलावा दो और प्रोजेक्ट है। कोई नया प्रोड्यूसर या दूसरा प्रोड्यूसर या दूसरा डायरेक्टर नीलम गिरी जी को अपने फिल्म में लेना चाहता है, तो ओकरा कैसे होई और का डिमांड रहेला नीलम गिरी जी के? होई चीज रही तो हम फिल्म करे में तो ना करे। देखिए सबसे बड़ी बात, पहले तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट अच्छा हो, और बस अच्छी कंपनी हो, और क्या, बाकी तो हम लोग खुद ही कर नहीं, लेते हैं। नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में तो कहा जाला कि सब्जेक्ट के कोई लोग माने ना रखेला, नहीं पैसा नहीं अगर दे देलक तो लोग नहीं काम नहीं कर नहीं ले। पैसा तो लोग और कमा मान ही लीजिए एक देंगे। जगह सब्जेक्ट बा खूब अच्छा, आ एक जगह 20 लाख रुपया बा, नहीं तो तो नीलम सब्जेक्ट, गिरी जी हाँ के का? सब्जेक्ट सब्जेक्ट
पैसा ना ले पैसे तो वैसे ही छाप लेंगे उसमें क्या है ये भाई खोल लिया पैसा तो वैसे ही छाप लेंगे उसमें क्या है सब्जेक्ट अच्छा मिलना जरूरी है ना ये भाई खोल लिया हम बात अब हम नीलम गिरी से पर्सनल कुछ सवाल नीलम गिरी जी के बॉयफ्रेंड काहे बताए अरे नाम पूछा था नहीं बताएंगे काहे बताए नीलम गिरी जी कैसन लड़के से शादी करे के चाहिए अभी ऐसा कुछ सोचे नहीं है जब सोचेंगे तो बता देंगे नीलम गिरी जी कौन बात पर गुस्सा आवेला ये बतिया पे आवेला शादी के पूछे तो ते सबसे ज्यादा माई पूछे ले घर में हुआ ये सब तो पूछे ली सब हां कौन से बात है सबसे ये बात पे नहीं 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 ये बात पे नहीं ये तो कॉमन क्वेश्चन है सबसे ज्यादा गुस्सा जब हमको कोई उंगली करता है फालतू बात बोलता है तब बहुत गुस्सा आता है नीलम गिरी जी सबसे जल्दी किस चीज पर खुश हो जाती हम जैसे मुझे कोई गिफ्ट देता है इधर लड़की सन का जन्म सिद्ध अधिकार है चॉकलेट टॉकलेट दे देता है चॉकलेट से ही मान जाते चॉकलेट चाहे कुछ भी अच्छा चीज तो हम बहुत खुश हो जाते हैं नीलम गिरी जी के बेस्ट एक्टर एक्टर भोजपुरी में या भोजपुरी में अरे यार एक को कैसे बोलो कोई एक ही का नाम लेना है हाँ एक रवि किशन रवि किशन बेस्ट एक्ट्रेस अरे यार बेस्ट एक्ट्रेस गोज टू पाखी जी बेस्ट डायरेक्टर उसमें भी बहुत लोग हैं एक देखिए मुझे देखिए मंजुल सर बहुत अच्छा लगता है और विशाल सर बहुत नहीं नहीं एक 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 फर्स्ट तो फर्स्ट होला तुम मंजुल ठाकुर बेस्ट प्रोड्यूसर अपने प्रवेश जी हाँ। बेस्ट सिंगर पवन जी पवन सिंह हाँ। मस्त सबसे मस्त सबसे मस्त नीलम गिरी जी के सबसे खराब चीज और सबसे अच्छा चीज का उनका स्वभाव तो हम कैसे पता वो तो आप बताइए ना आपको क्या लगता है कि हमारे में कि ये चीज खराब है ये चीज हम डेवलप कर सकते हैं या ये चीज मेरे में सबसे अच्छा है मेरे में सबसे अच्छा मैं खुद हूँ हाँ सबसे खराब सारी दुनिया सब दुनिया हम बहुत चलिए अब हमने क्या आ जाते हैं आपको पता है आप सब लोग को एक बात बताओ इनका नाम क्या है इनका नाम मालूम है क्या है इनका नाम है भाता भैया क्योंकि ये बहुत भात खाते हैं जब लंच होता है ना तो चार चार थरिया भात खाते हैं तो इनका नाम रखे हम भाता भैया हमारे पाली जी दोनों मिल के भाता भैया बना कोनो बात नहीं है चलिए अब इंडस्ट्री में जाते हैं सर हीरोइन लोग आजकल एगो बहुत अच्छा हो गई बा वायरल होके के कि कोनो भी मुद्दा होखो भोजपुरी के मुद्दा होखो हाँ। गायक के मुद्दा होखो राजनीतिक मुद्दा होखो सामाजिक मुद्दा हो कुछ मुद्दा होखो हाँ। तुरंत उ लोग आके फेसबुक पर लाइव आके कुछ कुछ बोले लगेला लाइव आके रोए लगेला लाइव आके सब चीज करे लगेला का नीलम गिरी जी एकरा के कितना सही और कितना गलत समझे देखिए अगर इसको हम लोग सही भी ले सकते हैं गलत भी ले सकते हैं कि बिकॉज अगर कुछ मन में है या किसी चीज़ से कष्ट है तो अगर वो लाइव आके रोते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग अपने ऑडियंस से वहीं कनेक्ट होते हैं ना इसीलिए शायद उनको अपना मन का बात वहीं रखना आपको पसंद आपको ये नहीं लगता है कि सारा पर्सनल चीज अगर हीरोइन का आप लाइव आके कह देंगी तो फिर फिल्म में लोग देखेगा कि हाँ, क्यों आपको हीरोइन मानेगा वो भी बात है वो तो खुद ही सोचना चाहिए तो क्यों नहीं सोचता है इंडस्ट्री अरे यार अब हम किसी के दिमाग में नहीं ना घुसे हैं अरे तो आप बताइएगा ना इस विषय में हम किसी के दिमाग में नहीं ना घुसे हैं कि जाके उसको हम समझाए सबका अलग अलग दिमाग होता है ना आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में समझाने से हीरो और हीरोइन समझ जाएंगे हम किसी का कुछ समझाने से कोई नहीं समझेगा सब अपना ही करेंगे समझे किसी का समझाने से कोई नहीं समझता है एक सवाल हम अभी पूछे थे दिनेश भैया से हाँ। वो बड़ी वायरल हो गया मेरा वो इंटरव्यू का वो सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा और जो भी मेरे से मिल रहा है उससे पूछ रहा हूँ हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक गायक आता है जी। कोई भी गायक
एक गायक आता है उसको पब्लिक प्यार देती है, उसको स्टार बना देती है, स्टार के बाद वो हीरो बनता है, हीरो बन के बहुत बड़ा स्टार बन जाता है, और फिर वो आके एल्बम करने लगता है, फिर वही गाना करने लगता है, फिर वही चीज करना है, वो फिल्म का प्रचार छोड़ के गाना का प्रचार ज्यादा करता है। उस इस चीज को कैसे आप देखती हैं? तो इसको हम लोग फिल्म इंडस्ट्री कहें कि एल्बम इंडस्ट्री कहें, आप क्या करती हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री कहा जाए कि एल्बम इंडस्ट्री कहा जाए? दोनों अलग है, और अगर कोई गायक फिल्म कर रहा है और वापस आके एल्बम कर रहा है तो अच्छी बात है ना यार, वो तो गाने से ही तो हीरो बना है ना, हीरो से तो गाना नहीं बना है, समझे? तो आपको लगता है कि इतना जब इंस्टाग्राम पब्लिक दे दिया, आपको हीरो बना दिया, वहां तक चल गया, तो आपको और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी करना चाहिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने चाहिए, क्या करें? तो वो एल्बम फिर क्यों करे, फिर एल्बम में आके झगड़ा क्यों करे? नहीं, एल्बम करे, अच्छा अच्छा काम करे, क्यों हिंदी करे यार? हम लोग भोजपुरी, तो हम भोजपुरी ना करेंगे, हॉलीवुड तो नहीं ना करेंगे। अब हमारे जनता हमें ऐसे ही प्यार दिए हैं तो हम वैसे ही रहेंगे ना, अब हम ही एकदम हॉलीवुड बन जाएंगे तो भाई हमारे जनता हॉलीवुड को देखेंगे कि हमको क्यों देखेंगे? इसलिए देखेंगे कि हम है ना, हॉलीवुड को, फिर हॉलीवुड को देखेंगे, फिर हमारा क्या काम है उसमें? और हम लोग अच्छे भी नहीं लगेंगे, बानर लगेंगे, कहने का ये मतलब नहीं है ना कि सारी हीरोइनें बैनर लगेंगे बड़े बड़े, क्या घुसेड़ रहे हो कहा मुझे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोली मैं बोली हम अपने बोली, हम ज्यादा हॉलीवुड की, हम बैनर लगेंगे। भोजपुरी फिल्म लाइन के में चुगलखोरी कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, चुगलखोरी तो हर एक जगह है, अभी ये बंद होगा तो आप भी चुगली करेंगे बैठ के। ये दिन बस चुगली करते हैं, ये हमको बोल रहे हैं। नहीं 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 करता है, देखिए चुगलखोरी तो सब जगह ही है, ऐसा कुछ ही नहीं है कि कहीं नहीं है, कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है, जो कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है, हाँ कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है। ऐसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर आरोप हमेशा लगेला, अनपढ़ गंवार लोग आवेला, इनमें कितना सच्चाई बा? अनपढ़ गंवार लोग में ही दम है, क्या सच्चाई? अनपढ़ गंवार बोलने को है लेकिन सबसे ज्यादा टैलेंट उन लोग में ही होता है, ऐसा नहीं है ऐसा। अच्छा बहुत अच्छा, एक बात बताओ, बहुत बड़े बड़े लोग है, डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन वो लोग हमें तो पसंद करते हैं ना, या हमारे जो जिसको कहा जाता है अनपढ़ गंवार लोग, वही लोग को तो लोग पसंद करते हैं, उनके ही फैन होते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि अनपढ़ गंवाड़ अनपढ़ गंवाड़े रहे, टैलेंट है उसका, कला है तो स्टार है। चलिए, बहुत अच्छा लगल यहाँ से मिल के और यहाँ से बात करके, रोगरा हमारे संगे को काम करे कैसा लगल? हमको बहुत मजा आता है, हम लोग जब भी, अच्छा मैं भैया के साथ जब भी सुबह मिलते थे मुझे बोलते जय माता दी, हम बोलते जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। हम लोग सुबह सुबह ऐसे ही मिलते हैं, मतलब हंसते खेलते, काम खत्म हो जाता पता भी नहीं चलता, बहुत मजा आता है। और बाय द वे अगर मैंने कुछ अंड संड बोला है तो उसके लिए बहुत बहुत माफी, लेकिन भैया के साथ मैं बहुत फ्रैंक हूँ, एज अ फैमिली है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बोल दी हूँ, लेकिन बाकी चीजें आप लोग माइंड मत करिएगा, लाइफ में क्या है यार, इंजॉय करिए, मस्त रहिए, और क्या करें। चलिए चलते चलते हम नीलम गिरी जी के बहुत स्वागत करें, और यहाँ के जोन भी बात रखनी, एगो ना वाला निर्भीक बच्चे की तरह, क्या कहें, यहाँ के दिल बहुत बच्चा की तरह है अभी। अभी यहाँ के अभी कॉल छल में घुसल नहीं क्या जोन इंडस्ट्री के, अभी सीधा सीधी जोन पर बोल देते, और हम अगर 2 साल बाद यहाँ से इंटरव्यू लें तो हमें देखें हर बात के तौल तौल के यहाँ के बात रखे, यहाँ चीज पूरा चीज। तो चलिए, हंसत रही मुस्कुरात रही, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अगर रौरा लोगे कोनो सवाल बात यहाँ के, अभी हम बानी हमरा संग 4-5 दिन, तो सवाल कमेंट में करें, हाँ, से पूछे, हाँ, चलिए तो सब्सक्राइब और सब्सक्राइब नीलम गिरी ऑफिशियल, सब्सक्राइब माय चैनल नीलम गिरी ऑफिशियल, सबसे पहले बाद में भैया का कर दीजिएगा, हाँ नीलम गिरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, और हमारा फेसबुक को भी आप लोग ना फॉलो करिए, ठीक है, क्योंकि हमारा फेसबुक पहले वाला हैक हो गया था, तो अभी नया वाला फेसबुक आप लोग फॉलो करिए, और हम लोग इसी तरह आप लोग के लिए मस्त मस्त वीडियो लेके आएंगे, ठीक है।
चलिए हाँ बाय बाय, जय हिंद जय भारत, जय भोजपुरी, बोले जय भोजपुरी, जय भोजपुरी, ओके। नमस्ते नमस्ते चाची चाची, नमस्ते चाची, नमस्ते चाची, नमस्ते भौजी, नमस्ते भौजी, नमस्ते इया, नमस्ते इया, नमस्ते दादी, नमस्ते दादी, कैसन बानी लोग, कैसन बानी लोग, ठीक बानी, ठीक बानी, गुड गुड। और नाम रही रामचरण, रामचरण। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बिहेवियर विजेंद्र सिंह, मेरे साथ बाड़े इंग्लैंड के माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ कैसन बाड़ा, कैसन हो विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह नमस्ते, नमस्ते, कैसन हो, कैसन हो, कैसन बानी, कैसन बानी। अरे अभी हम निके शूटिंग करते नहीं सर, बड़ी अच्छा लगा था। और अभी हमारी प्रिय दोस्त माय बेस्ट फ्रेंड इन बेस्ट फ्रेंड विजेंद्र, विजेंद्र, विजेंद्र भोजपुरी, भोजपुरी, जय जय भोजपुरी, जय भोजपुरी, जय भोजपुरी, जय जय भोजपुरी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय भारत माता की जय, जय भारत माता, जय जय भोजपुरी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और बहुत प्यारे शख्स माय बेस्ट फ्रेंड ने, यस टॉम, 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 यस, इनका नाम टॉम रखल बा, बेस्ट फ्रेंड टॉम, बेस्ट फ्रेंड टॉम, बेस्ट फ्रेंड विजेंद्र, विटाली, यस ओ टॉम। और गुड गाइस बट नो गर्लफ्रेंड, यस यस, व्हाई व्हाई waiting for girlfriend, waiting for girlfriend, wait kar raha hai girlfriend ke, oh my god, oh my god, your experience in this film, good film, good, the gender good, amazing person. Amazing the gender, good person, the gender in my Bihar, you are in my Bihar, you are popular my blogs, yes. नमस्ते नमस्ते चाची चाची, नमस्ते चाची, नमस्ते चाची, नमस्ते भौजी, नमस्ते भौजी, नमस्ते इया, नमस्ते इया, नमस्ते दादी, नमस्ते दादी, कैसन बानी लोग, कैसन बानी लोग, ठीक बानी, ठीक बानी, गुड गुड। से ऑल फैमिलीज, ऑल फैमिलीज, नमस्ते 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 ऑल फैमिलीज। बहुत प्यारा बा, और कुछ भइल चाहे ना भइल हम अपन सधा लेनी भोजपुरी सिखा के, कि हमरा के अंग्रेजी ना सिखा पैले लेकिन हम इंगरा के भोजपुरी, यू लर्न भोजपुरी, जय भोजपुरी, जय भोजपुरी, जय भोजपुरी, यू लर्न भोजपुरी, इतना इतना सीख गइल बा, सम टाइम आई कम हियर इंग्लैंड एंड You are pure Bhojpuri boy. Yes, आप कैसे हो? आप कैसे हो? कैसन बानी? कैसन बानी? और करा बात हर नाम रही रामचरण, 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 ये आगे चलकर रामचरण हो जाएगी। Good. Good. Sometime I back to India. Yes. Somehow. Okay. Remember you. जय चलिए हंसत रहे मुस्कुरात रहे, धन्यवाद। और बड़ी बहुत प्यारा आदमी, बहुत बहुत गुड गाइज, और हमरा काम कर कितना अच्छा लगल इनके साथ कि दिल खुश हो गई। और दिस इज ए वेरी पॉपुलर एक्टर इन लंदन, फ्यूचर नहीं फ्यूचर, हॉलीवुड फ्यूचर। यू रिमेम्बर मी ना, विजेंद्र, 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 विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, बीआईबी विजेंद्र सिंह, बीआईबी विजेंद्र सिंह, जय बीआईबी विजेंद्र सिंह, जय बिहार, धन्यवाद, लव यू, जय भोजपुरी, नमस्ते, जय भोजपुरी, जय।